गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. बेटा आफ्टर द रिवाइज्ड सिलेबस, इफ आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द सिलेबस, इट इज द लास्ट चैप्टर इन योर इंडियन पॉलिटिक्स बुक्स. इंडियन पॉलिटिक्स बुक्स इट इज योर लास्ट चैप्टर बेटा. इससे पहले आपका एक चैप्टर है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी. और जो ये चैप्टर है आपकी बुक में है, किस नाम से? न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द चैप्टर. बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर, विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, वी विल ट्राई टू कम्प्लीट आवर दिस चैप्टर. ओके बेटा, आपका चैप्टर है रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि इंडिया में जो अभी वर्तमान में पिछले कुछ टाइम में विकास हुआ है वो क्या क्या हुआ है. ठीक है, कंटेक्स्ट ऑफ द 1990s के बारे में हम से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे. क्लियर बेटा, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. यू हैव रीड इन द लास्ट चैप्टर दैट राजीव गांधी became the prime minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha election held immediately thereafter in 1884. Beta, who will tell me about the 1884? That why the 1884 is, why the 1984 is very important and the memorable date. Beta, in the 31st मार्च 1984 इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? डेथ हो गई थी. ठीक है, उसके बाद कौन बने थे आपके प्रधानमंत्री, पीएम कौन बने थे आपके बेटा? राजीव गांधी. ठीक है, एज ही डिसाइड ऑफ द 1880s कम टू ए क्लोज द कंट्री विटनेस फाइव डेवलपमेंट दैट वर टू मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आर पॉलिटिक्स. तो उस टाइम पे जैसे ही 80 का दशक क्या हुआ, खत्म हुआ, वैसे ही आपकी कंट्री में फाइव डेवलपमेंट हुए, पांच विकास के कार्य हुए, जो बहुत ही, जिनका मतलब असर एक बहुत लास्ट टाइम तक चला. ठीक है, फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989. फर्स्ट, सबसे पहले जो क्रूशियल डेवलपमेंट माना जाता है वो क्या हुआ, बहुत बड़ी हार हुई कांग्रेस की, कौन से इलेक्शन में? इन द 1989 इलेक्शन द कांग्रेस डिफीटेड, ओके, और यू कैन से बैडली डिफीटेड द पार्टी दैट हैड वोन एज मैनी एज 415 सीट्स इन द लोकसभा इन 1984 वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 197 इन दिस इलेक्शन. कांग्रेस को जो 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, क्या बेटा, क्या मिली थी? मेजोरिटी मिली थी कितनी? 415 आउट ऑफ 543 सीट्स. ओके, तो इंदिरा उस टाइम पे कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 415. और जो आपके नेक्स्ट इलेक्शन में ही कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली? ओनली 197. ओके, द कांग्रेस इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड कम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड इन 1991. जो आपके बेटा क्या है, कांग्रेस ने दोबारा से क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और 1991 में दोबारा से मेजोरिटी में आ गए, मतलब इम्प्रूवमेंट किया. बट द इलेक्शन ऑफ द 1918 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम. लेकिन 1989 का जो इलेक्शन था उसने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया उन लोगों को गलत, पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट क्या कहते थे, कांग्रेस सिस्टम, इट मीन्स जो कांग्रेस का डोमिनेंस इंडियन सोसाइटी पे था, इंडियन पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था या डोमिनेंस था वो क्या हो गया था, उस चीज को बिल्कुल, मतलब ऐसा प्रूफ हो गया था कि खत्म हो गया है बिल्कुल. ठीक है, टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इवन इन दिस पीरियड सिंस 1989.
लेकिन क्या किया, कांग्रेस ने फिर भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी की तरह रूल किया कंट्री के ऊपर, बाकी जो अदर पार्टीज थी उनके कंपैरिजन में, ठीक है। बट इट लॉस द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर इंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम। लेकिन सेंट्रलिटी क्या होता है बेटा, एज यू नो दैट इन इंडिया टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, फर्स्ट वन इज स्टेट, सेकेंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो पहले जो सेंटर में भी क्या किसका था, कांग्रेस पार्टी आती थी, और स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी आती थी। इट मीन्स डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी यू कैन सी इन दैट टाइम ऑफ इलेक्शन इट वॉज नाउ नॉट देयर, अब वो नहीं थी, ठीक है। कांग्रेस लीडर सीताराम केसरी withdrew the crutches of support from Devgowda United Front government. It means क्या, इसके कहने का मतलब है कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस से लेस गवर्नमेंट, अमूल द मेजोरिटी वोट। अब यहाँ पे देखो बेटा, इट इज कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कार्टून। कांग्रेस लीडर सीताराम केसरी withdrew the crutches ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, मतलब अब वो क्या कर रहे हैं, कोइलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट दे वॉन्ट टू कम इन द गवर्नमेंट, ओके, क्लियर। सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ द मंडल इश्यू इन नेशनल पॉलिटिक्स। This followed the decision by the new National Front government in 1990 to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for the other backward class. But a first crucial development kya tha? Matlab pehli nayi cheez kya hui after the 1990 ya after the decade of the 1980s? क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, इतनी बड़ी हार हुई कांग्रेस की। सेकंड क्या था, मंडल कमीशन विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, है ना, जो रिजर्वेशन उसने क्या किया था आपकी 1990s के उसके उसने अपने डिसीजन में क्या कहा कि अब सेंट्रल जो जॉब्स होंगी उनमें किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। दिस लीड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जब ये क्या हुआ, जब वो डिसाइड किया गया, मंडल कमीशन ने क्या किया बेटा, इस चीज को डिक्लेयर किया, तो जब बाकी कंट्री थी उसमें क्या हो गए, मूवमेंट होने शुरू हो गई, ठीक है। नाउ इन द कंप्लीट कंट्री अगेंस्ट ऑफ द मंडल कमीशन डिसीजन, ओके, दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर एंड ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन वॉज नोन एज द मंडल इश्यू। अंडरलाइन दिस वर्ड मंडल इश्यू, यू हैव टू नो अबाउट द मंडल इश्यू। बेटा मंडल इश्यू क्या है, जब मंडल इश्यू ने क्या, मंडल कमीशन ने क्या किया था, व्हेन द मंडल कमीशन गेव द रिजर्वेशन टू द ओबीसी इन द सेंट्रल जॉब्स, देन मैनी इन द मैनी states of the India movement start for what beta, they want to oppose the Mandal Commission Act, okay, that issue is known as the Mandal issue and was to play an important role in shaping politics since 1989। और उसने क्या किया, आपकी जो 1989 क्या इलेक्शन होना था उसकी पॉलिटिक्स में एक मेन रोल प्ले किया, ओके। कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार, अमूल बटर एवरी मंडल चॉइस। यहां पे बेटा क्या है, ए रिएक्शन ऑफ मंडलिज्म, आई विश टू बी श्योर इफ दिस फिनोमिनन वुड हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब बेटा यहां पे क्या कहते हैं, कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार, ये आपका कार्टून है, ठीक है। इसके थ्रू देखते हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये इसके थ्रू ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कास्ट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है, अमूल बार बार, इट मीन्स मंडल चॉइस, एवरी मंडल चॉइस, जो मंडल कमीशन है आपकी क्या मतलब वो क्या कहना चाहते हैं ये उसके बारे में शो किया हुआ है, ठीक है। हम अब हम थर्ड क्या करते हैं,
इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट अर कार्टून बेस्ड क्वेश्चन. ओके. थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरवर्डेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टुक ए रेडिकली डिफरेंट टर्न. दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टुक ए रेडिकली डिफरेंट टर्न. अब क्या थी, हर एक गवर्नमेंट ने, जैसे सेंटर में अलग गवर्नमेंट थी, आपकी स्टेट में अलग गवर्नमेंट थी, तो सभी ने अपनी अलग अलग एक डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया. दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड बाय राजीव गांधी. दीज चेंजेस फर्स्ट बिकेम वेरी इकोनॉमिक विजिबल इन 1991 एंड रेडिकली चेंज द डायरेक्शन दैट द इंडियन इकोनॉमी हैड परस्यूड सिंस इंडिपेंडेंस. की अब जो इंदिरा, ये आपका क्या है, राजीव गांधी ने जो इकोनॉमी के लिए स्टेप्स उठाए थे बेटा, वो क्या इम्पोर्टेंट प्रूफ हुए और वो इतने क्लियरली दिखाई दिए कि 1991 में हमारी ग्रोथ, हमारी कंट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई. और इतना तो अब तक, मतलब आफ्टर द 1947 से अभी तक इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी. ठीक है. एंड रेडिकली चेंज द डायरेक्शन दैट द इंडियन इकोनॉमी हैड परस्यूड सिंस इंडिपेंडेंस. दीज पॉलिसीज हैव बीन widely criticized by various governments and organizations, but the various governments that come to power in this period have continued to follow this. Risky, difficult, yes, but once we reach there, all our worries will be over. Think of that. यहाँ पे बेटा आपका ये कार्टून है, ठीक है. इसमें क्या है, मनमोहन सिंह द देन फाइनेंशियल मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव इन द इनिशियल फेज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है. अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे आपके लोन लिया गया है. लोन कहाँ से लिया गया है, फॉरेन कैपिटल्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ऑर्डर्स. और ये लोन मतलब क्या है, ये जो आपकी न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है अंडर कंस्ट्रक्शन, ये किस चीज के लिए है कि हमने जब क्या लिया था आपके वर्ल्ड बैंक से, यहाँ पे देखो शो है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से क्या किया गया है, लोन लिया गया है अपनी कंट्री को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए. ठीक है. तो उसके बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है, दिखाया गया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बेटा, मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट, फर्स्ट चेंजेस क्या आया, दैट डिफीट ऑफ कांग्रेस. सेकेंड वन बेटा, व्हाट वाज योर सेकेंड मंडल कमीशन या रिजर्वेशन, आरक्षण, सीटों का आरक्षण कर दिया गया. कौन सी, केंद्रीय, जो क्या होती है आपके केंद्रीय पद होते हैं, मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए रिजर्वेशन किसकी की गई, ओबीसी की. ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास की. थर्ड क्या है, राजीव गांधी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया था जिसके थ्रू वो क्या कर रहे थे, मतलब जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आपके लोन ले रहे थे. ठीक है. फोर्थ वन इज, फोर्थ नंबर ऑफ इवेंट्स क्लेम्ड इन द ये डोमेलिशेशन ऑफ द डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या नोन एज बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992. अब जो बेटा वो बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई थी उसके बारे में यहाँ पे क्या है आपका डिस्कस किया गया है कि इम्पोर्टेंट, फोर इम्पोर्टेंट चीज हमारे इंडिया में क्या हुई जो बहुत फेमस थी, आपका जो बाबरी मस्जिद क्या ब्रेक होना था, तोड़ना था, उसको लेकर जो अयोध्या विवाद चला हुआ है उसके बारे में. ठीक है. दिस इवेंट सिंबलाइज एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री.
कि ये क्या करता है, जो अयोध्या विवाद है या बाबरी मस्जिद विवाद है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स को क्या करता है, शो करता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स किस टाइप की है। ठीक है, कि उस मतलब जैसे सारी की सारी पॉलिटिक्स अभी बेटा आपने देखा, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट सोल्व हुआ तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर अपने व्यूज देती, बीजेपी अपनी व्यूज देती, मतलब इसने एक एक जो इश्यू था पॉलिटिक्स इश्यू बन गया था जी, ठीक है, इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया था और इसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया रोल दे दिया था। दिस इवेंट सिंबलाइज्ड एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड इंटर शिफ्टेड डिबेट्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। बेटा जैसे बहुत सारे हिंदू पार्टी है इंडिया में, तो इस विवाद ने, इस इश्यू ने, जो बाबरी मस्जिद इश्यू है, इसने इंडिया के ऊपर जो नेशनलिज्म है, मतलब नेशनलिज्म फीलिंग होती है, और इंडिया जो सेकुलर कंट्री है उसके ऊपर क्या कर दिया था, क्वेश्चन मार्क कर दिया था। ठीक है, कि इंडिया में मोस्टली जो सारी आपकी पार्टीज है वो क्या चाहती थी, कोई चाहती थी यहाँ पे राम मंदिर बने, कोई चाहती थी मस्जिद बने। ठीक है, तो इंडिया जो एक सेकुलर स्टेट था उस पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया था। मतलब हर एक पार्टी जो थी अपने तरीके से उस व्यू मतलब इशू को सबके सामने रखती। ठीक है, दीज डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बीजेपी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। मतलब अब ये क्या हो गया, अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर फोकस किया, और जो पॉलिटिक्स है हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व जो हम कहते हैं ना, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, उसके ऊपर बेटा मैंने आपको बताया क्या कर दिया था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, क्योंकि बहुत सारी हिंदू पार्टी इसको लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप ले चुकी थी। ठीक है, तो एक नई चीज ये आई थी आफ्टर द 1990। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, फाइनली द एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मे 1991 लीड टू ए चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ही वॉज एसिनेटेड बाई ए श्रीलंकन तमिल लिंक टू द लिट्टे। अब बेटा लिट्टे के बारे में आपने ऑलरेडी रीड किया है। ठीक है, when he was on an election campaign tour in Tamil Nadu in the election of 1991, Congress emerged as the single largest party. अब बेटा मैंने आपको रिलेशन में कराया है श्रीलंका एंड द इंडिया रिलेशन जो हमने किया है, कि कैसे वहां पे तमिल को और सिहली को लेकर क्या थे, कन्फ्लिक्ट थे, तो राजीव गांधी ने जो तमिलनाडु के तमिल से उनको कैसे अपने फेवर में किया। ठीक है, कैसे किया था उनको, क्या करके एज्योर करके कि अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो श्रीलंका में जाके उनके जो तमिल्स फोर फादर्स है या रिलेटिव्स है उनको क्या करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे, है ना। कांग्रेस अमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फॉलोइंग राजीव गांधी डेथ। द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। और जब राजीव गांधी की डेथ हो गई तो बेटा क्या, किसको चूज किया गया, उनकी जगह नरसिम्हा राव को एज ए प्रेसिडेंट चूज किया गया। ओके बेटा, इट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक इन आर नेक्स्ट वीडियो एंड टिल नाउ If any problem to anyone, then you can ask to me, you can comment. Okay, बेटा, अब जो ये है आपके कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल दिस कार्टून बेस्ड क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो। ओके, क्लियर।